राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो झुंड में होते हैं वो डरे हुए होते हैं, शेर अकेला होता है, वह शिकार अकेला करता है। पटना में जिस प्रकार विपक्षी पार्टी की एकता दिखाई दे रही है, लगता है सभी में घोटालेबाज अपने आप को डिफेंस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी आज जोधपुर पहुंचे, जहां भाजपा के कई बड़े नेता व कार्यकर्ता उनका स्वागत करने सर्किट हाउस में आए, पत्रकारों से वार्ता की और अपनी वार्ता में उन्होंने विपक्षी पार्टी पर जमकर हल्ला भी बोला। त्रिवेदी ने बताया कि जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में देश को डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए डील कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पटना में भी विपक्षी नेता एक डील कर रहे थे। पटना में जो भी विपक्षी पार्टियों के नेता थे उनमें से कोई कोयला घोटाला, शराब भर्ती घोटाला, कोई चारा घोटाला और कई अन्य घोटालों में संलिप्त थे। सभी अपने अपने घोटाले को डिफेंस कर रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मोदी सरकार में सही मायने में विकास हुआ है। यह वह दौर है जब गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है। भारत मोबाइल निर्माण करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर है। जहां पहले भारत में 2-4 मोबाइल कंपनियां ही हुआ करती थी, वहीं आज 240 से अधिक कंपनियों के प्लांट भारत में कार्यरत है। ऑटोमोबाइल उत्पादन क्षेत्र में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मेक इन इंडिया नहीं है तो क्या? पत्रकार वार्ता में राजस्थान सरकार पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा उदाहरण देखने को मिला कि जब कांग्रेस का नेतृत्व एक नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन फिर वही उनके नज़रों में बागी हो गया। इसके साथ साथ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष भी बागी हो गए। राजस्थान में मुफ्त की सरकार योजनाओं पर कहा रहा कि सिर्फ चुनावी शिगुफा है। पिछले चुनाव में भी कुछ इसी प्रकार के वादे किए गए थे, लेकिन सरकार इसके बाद एक भी चुनाव वादे पूरे नहीं कर पाई। अब तो पूरा राजस्थान ही कह रहा है कि गहलोत तेरी खैर नहीं। इस पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रवक्ता के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर विधायक सूर्यकांत व्यास, पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी सहित कई बड़े नेता और गणमान्य उपस्थित रहे। जोधपुर से क्राइम रिपोर्टर सुनील देवंदा की विशेष रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज। ये जो हार है और जहां कांग्रेस हारी उसमें क्या अंतर है? हम हिमाचल हारे 0.9% मतों के, पूरी स्टेट में 37,000 वोट का अंतर था। यानी यहां तो अक्सर एक विधानसभा 37,000 वोट के अंतर से आता है। हम कर्नाटक हारे और 36% वोट में है। हारने के बावजूद हम 75 साल के अपने सबसे अधिक मत प्रतिशत को बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस को जेडीएस का 5% वोट ट्रांसफर हो गया इसके वजह, पर जहां वो हारे हैं वहां क्या है? गुजरात हारे, आधा परसेंट में आ गया, हाफ हो गया परसेंटेज। 32 सीटें ऐसी थी जो आजादी के बाद से कभी नहीं हारे, उसमें 17 हार गए। उत्तर प्रदेश वो हारे, सारी सीटों पर जमानत जब्त, ऑलमोस्ट सारी सीटों पर जमानत जब्त, एक विधायक एक सांसद। तो वो राज्य जो कहा जाता था गांधी नेहरू परिवार का गढ़ है, वहां आज उतनी भी मैं नहीं है, मैं खाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। और आप देखिए दिल्ली दो बार शून्य शून्य, यानी लोकसभा में भी शून्य, विधानसभा में। हम जो हारे हैं ये वो हार है जो राजनीति में होती रहती है। वो जो हार है वो जनता के द्वारा दिया गया दंड बलों पर पाती है। इसमें दोनों में जमीन आसमान का कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन ने किया, और केरल हाई कोर्ट में एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। मैं आपको हाई कोर्ट के मुकदमे का रेफरेंस देने के साथ बोल रहा हूँ, शाहजहां वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस 9 दिसंबर 2009 केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में पॉइंट नंबर 16 जाके पढ़ लीजिएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो रोमियो जिहाद और लव जिहाद जैसे शब्द प्रयोग करते हैं, स्ट्रक्चर्ड काम चल रहा, और कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूँ उनके मुख्यमंत्री केरल के ओमन चांडी ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये बात बोली, और एक नहीं कई सौ ऐसे उदाहरणों के साथ बोली है कि उन्होंने कहा कि ये जो मामले हैं ये सामान्य प्यार मोहब्बत के नहीं है। ये सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी कि योजनाबद्ध व्यवस्थित ढंग से हिंदू और क्रिश्चियन दोनों समाज की मिडिल और अपर मिडिल क्लास की लड़कियों को टारगेट करके किया है। मुझे लगता है उनको अपने सरकार, अपने मुख्यमंत्री और अपनी सब केरल की सरकार की जांच में भरोसा नहीं है। वहां केरल में कुछ और कहना, राजस्थान में कुछ और कहना, इसी वजह से जनता की नजर में नेताओं के प्रति क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। मुक्ति का अर्थ था भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, अपराधीकरण और कट्टरपंथी
तुष्टिकरण, इन सारी चीजों से जो जो जनता का आशीर्वाद मिलता जा रहा है, अपने आप देश की जनता इन सारी प्रवृत्तियों से, कांग्रेस जिसकी गंगोत्री थी वो सारी चीजों से जहां तक हमारा संकल्प है हम पूरी तरीके से गोरक्षा के पक्ष में, और ये जो दूसरे लोग हैं तो वो है जो गोरक्षक संतों को गोली छपना है, तो दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अगर नए याद हो तो अब पुराने लोग, नए लोग भूल गए होंगे। सर निर्यात बढ़ रहा है, नंबर एक। नंबर टू से ये है कि राजस्थान पहला प्रदेश है जहाँ गौर सेवा का जो आयोग बनाया गया वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया। हाँ देखिए, वो सेवा आयोग आप कह रहे पहली बार बनाया गया, अनेक राज्यों में बन चुका है। उत्तर प्रदेश जो 1997 में बन गया है, तो मैं ही कह रहा हूँ ना, अनेक राज्यों में गो सेवा बन चुका है। और सुनिए,